अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम जिस नेक्स्ट वर्कआउट की बात करने जा रहे हैं ये है बाइसेप रिवर्स कर्ल्स। जैसे हम लोग हैमर डंबल्स लगाते हैं, हैमर डंबल हमारी बाइसेप की लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, एज इट इज़ हम रिवर्स बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं फिक्स बार पे या फ्री वेट पे। वो आपके लिए ऑप्शनल होता है कि आप कौन सा रॉड यूज़ करना चाह रहे हैं। इसका पर्पस भी सेम हैमर वाला ही है, इसका बाइसेप की लेंथ को ग्रो करना, और इसकी जो ग्रिप है वो फर्स्ट लाइन के अंदर से आप लोगों ने इसकी ग्रिप करनी है। थोड़ी सी इसकी ग्रिप क्लोज होती है, शोल्डर विड्थ पे आपने इसको ग्रिप रख के और आपने इस तरीके से इसको अपलिफ्ट करना है। अपने फोर आर्म को आपने बाइसेप के साथ कंबाइन करना है और फिर आपने नीचे लेके जाना लाइक दिस। आपका फोर आर्म बाइसेप को टच होना चाहिए और वापस नीचे इस तरीके से। नीचे जाते हुए आप लोगों ने इसको फेंकना नहीं है, रॉड को छोड़ना नहीं है, इसको आपने होल्ड करके लेके जाना लाइक दिस। इससे होता ही है कि आपके बाइसेप के ऊपर टेंशन बनी रहती है और आपकी जो बाइसेप की लेंथ है वो जल्दी ग्रो करती है। आपका यहाँ पर अगर बाइसेप के नीचे गैप बन गया तो उसको ख़त्म करने के लिए ये बेस्ट ट्रेनिंग है, और अगर गैप नहीं बना तो उसको अवॉइड करने के लिए भी, अगर आप ट्वाइस इन अ मंथ अगर आप ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपका जो बाइसेप है वो पीक उसकी ऊपर नहीं चढ़ती, बल्कि प्रॉपर एक जो बाइसेप की लेंथ होती है वही आपकी लेंथ डेवलप होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें आप लोग कि हैमर और रिवर्स बाइसेप कर्ल्स इन दोनों को आपने लाजमी अपने ट्रेनिंग रूटीन में ऐड रखना है ताकि आपका बाइसेप के जो शेप है वो ख़राब हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।